अक्सर बुखार आने पर आपको कभी न कभी किसी बड़े बुजुर्ग या किसी डॉक्टर ने ज़रूर कहा होगा कि आपको नहाना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे आपने कभी ठंडे पानी से नहाने की कोशिश की होगी और जब ठंडे पानी में आपने हाथ डाला तो बिल्कुल आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, यानी आप डर गए होंगे या एक प्रकार से नहाने की इच्छा नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। पर उसी ठंडे पानी के यदि 4 लोटे पानी हम शरीर पर डाल लेते हैं तो अचानक हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमें डर नहीं लगता, हम आराम से नहा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम नहाते हैं तब हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, जिससे शरीर का ताप भी बढ़ जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, जिस इंसान को बुखार आता है, जिसके शरीर का ताप बढ़ जाता है, यदि वह गलती से भी नहा लेता है तो हो सकता है उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाए। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि हमें बुखार आने पर नहीं नहाना चाहिए। हाँ, यदि मान लीजिए आपको हद से ज़्यादा पसीना आ रहा है तब हल्के गीले कपड़े से आप अपने शरीर को पोंछ सकते हैं ताकि पसीने से जो चिपचिप शरीर हो जाता है वह चिपचिपापन निकल जाए। अब दोस्तों, यदि मान लीजिए आप गांव खेड़े में हैं और ऐसे समय में डॉक्टर की सुविधा नहीं है, ऐसे में यदि किसी को बुखार आ जाए अचानक तो क्या करें? तो बहुत ही आसान सरतिया उपाय मैं बताऊंगा आपको घरेलू, इसे नोट कर लीजिए। यदि किसी को बुखार आता है, 2 चम्मच खाने का नमक लीजिए और इसे तवे पर भून लीजिए। हल्का भुरभुरा जब यह नमक हो जाए किसी डिब्बे में भरकर रख लीजिए। अब जिस इंसान को बुखार है उस इंसान को 1 चम्मच नमक आप 1 गिलास पानी में हल्के कुनकुने गर्म पानी में मिक्स करके पिला दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ख्याल रखिए कि जिस व्यक्ति को बुखार है और आप यह नमक का प्रयोग कर रहे हैं वह किसी भी प्रकार से कुछ भी खाया पिया ना हो, और इस घोल को पी लेने के बाद भी कम से कम 12 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, क्योंकि नमक का पानी पीने के बाद में जी हो सकता है जी मचले, इसीलिए बोल रहा हूँ, उल्टी हो जाएगी। 12 घंटे हो जाने के बाद हल्का फुल्का खाना खिला सकते हैं आप, जैसे खिचड़ी वगैरह। दूसरा उपाय है दोस्तों गिलोय का। गिलोय बहुत ही अच्छा एक लता होता है जो आपको आपके गांव के पास यदि झाड़ी झुड़पी हो या नाला हो या बहुत से लोग घर पर भी लगाते हैं। आप मैंने वीडियो में दे दिया है किस तरीके का होता है गिलोय, आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे। आपको क्या करना है, गिलोय की पत्तियां या गिलोय की यदि लकड़ी मिल जाए तो उसका आपको जूस निकाल लेना है, रस निकाल लेना है। कम से कम 1/2 कप रस निकाल लीजिए और इसे खाली पेट 2 समय पी लीजिए। इससे भी बुखार आसानी से उतर जाता है। दोस्तों, घरेलू उपाय की छोटी मोटी जानकारियाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि कब वक्त पड़ जाए किस उपाय का बता नहीं सकते। छोटी सी जानकारी थी, पसंद आई हो तो भले ही लाइक मत करिए लेकिन अपने दोस्त भाई रिश्तेदार में शेयर जरूर कर दीजिए। और हेल्थ संबंधी टिप्स उपाय के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन भी दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।